चेतावनी: इस वीडियो में दिखाए गए प्रयोग और स्टंट खतरनाक हैं और पेशेवर द्वारा किए गए हैं। कृपया इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी चीज को आजमाएं नहीं। तो हेलो दोस्तों, मैं शिवराज स्वागत करता हूं आपका एक और अमेजिंग वीडियो में। तो गाइस, ये देख सकते हो मेरे हाथ में एक देसी तोप, ये हमने घर पे बनाई है। तो गाइस, ये वीडियो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ बनाई है हमने, ये किसान भाइयों के लिए है, ये उनके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। खेतों में जो जानवर फसल बर्बाद करते हैं, जैसे हिरन वगैरह, सुअर वगैरह जो फसल को बर्बाद करते हैं, उनसे बचाने के लिए। तो गाइस, इसका कमाल तो आपने अभी फर्स्ट में देख ही लिया होगा, ये किस प्रकार चलती है, किस प्रकार धमाका करती है ये। तो गाइस, इसकी लागत है बिल्कुल कम, 120 रुपए में आपको ये मिल जाएगी, आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि खेतों में इनसे जानवरों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो हमारी ये तोप चलेगी, इससे जो हमारे जानवर है, इसकी बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है यहाँ से, तो उसके सुन के दूर भाग जाएंगे। तो और गाइस, इसको बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है, वीडियो देख लेना बनाने के लिए। तो गाइस, ये तोप मैंने किस प्रकार बनाई है, चलते हैं इसको फिर से बनाते हैं और आपको दिखाते हैं वीडियो बना के। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लें। तो आपको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बैठ जाता हूँ नीचे यहाँ पे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस, सबसे पहले हमें पीवीसी पाइप की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमारे पास ये देख सकते हो, ये 4 इंची पीवीसी पाइप, ये 4 इंची पीवीसी पाइप है, और इसके साथ में 2 इंची का ये पीवीसी पाइप भी चाहिए। और जो इन दोनों को जैसे 4 इंची से 2 इंची में कन्वर्ट करने के लिए ये सॉकेट है, देख सकते हो ये, और ये एंड कैप जो कि इसमें लगाएंगे इसको एंड कैप को, और इसके अंदर छेद कर दिया हमने, इसको बताएंगे आपको बाद में इसका क्या काम है। और इसके साथ ये सॉकेट भी है, ये मैंने काट लिया है यहाँ से, बनाया है ये भी। और गाइस, देख सकते हो, और ये सब सामान है, इनसे बनाएंगे हम एक तोप, देसी तोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो ये सॉकेट है, इसको लगाएंगे हम इस 4 इंची पाइप के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर ये जो पीवीसी पाइप को चिपकाने की गम आती है, उसको लगा लेते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पे गम लगा लिया और इसको लगा देते हैं अब। तो इसको ऐसे इस प्रकार से थोड़ा ठोक देंगे अच्छे से, ताकि एकदम अच्छे से टाइट हो जाए। तो गाइस, ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसमें लगाएंगे ये दो इंच का जो पाइप है हमारे पास, इसको इस पर भी गम लगा लेते हैं। तो गाइस, इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, अच्छे से ठोक देंगे इसे भी। तो गाइस, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब गाइस, जो हमारे पास ये एंड कैप है, इसका नंबर है, तो इसे हम लगाएंगे यहाँ पे। तो चलो इसको लगा लेते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे इस गम का यूज करते हैं अपन। तो हमने गम लगा लिया, अब इस एंड कैप को भी लगा ही देते थे। तो गाइस, इसे थोड़ा सा यूं ठोक देंगे यहाँ पे, ताकि अच्छे से एयर टाइट हो जाए। देख सकते हो गाइस, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें यहाँ पे मैं थोड़े से और इसको डाल देता हूँ, ताकि हमारी जो एयर बनने वाली इसके अंदर बिल्कुल भी बाहर ना जाए। पूरी एयर टाइट कर दी है हमने ये। और गाइस, अब दिखाता हूँ मैं आपको, एक छेद तो हमने जो हमारा 4 इंच का पाइप था उसको यहाँ पे किया है, और ये आप कैंची की मदद से या किसी भी चीज़ से कर सकते हो। और गाइस, एक छेद हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे हम लगाएंगे लाइटर, ये लाइटर के लिए किया है हमने ये छेद। और ये है, इसके अंदर से हम डालेंगे इसके अंदर पानी, और पानी अपन यहाँ से भी डाल सकते हैं, लेकिन हम डालेंगे यहाँ से, शॉर्टकट तरीका है। तो इसके ऊपर
लगाने के लिए, इसको पैक करने के लिए हमने यहाँ पे एक बैंड काटा है पीवीसी पाइप के अंदर से, तो इसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगा देंगे और जैसे हम इसमें पानी डालेंगे और फिर इसे यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो ये पैक हो गया है, बहुत ही टाइट है ये अच्छे से। तो हमारी गन बन चुकी है जो तो बनाई हमने। तो अब बारी है इसमें जो लाइटर लगाने की, तो गाइस चलो लाइटर लगाते हैं। ये हमारे पास लाइटर सबके घर में होता है, ये तो इसको बनाना बहुत ही ईजी है जो हमारे तोप है उसे। तो गाइस इस लाइटर को हम लगाएंगे यहाँ पे। तो गाइस ये होल इतना ही बड़ा करना है जिसमें हमारा लाइटर है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। देख सकते हो बहुत ही टाइट जा रहा है ये लाइटर। तो गाइस ये लग चुका है हमारा लाइटर, अच्छे से लग चुका है यहाँ पे बहुत ही टाइट, देख सकते हो बिल्कुल भी लूज नहीं है। तो हमारी जो तोप है बन के रेडी हो चुकी है एकदम। अब बारी है इसको टेस्टिंग करने की, लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ये देखो गाइस कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े। या आपको कहीं भी गैस वेल्डिंग की या हार्डवेयर की शॉप पे आराम से मिल जाएंगे, कहीं भी कभी भी मिल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं मिलते हों। ये गैस वेल्डिंग वालों के पास और जो हमारी हार्डवेयर की शॉप आती है उनके पास आराम से मिल जाएंगे। तो गाइस इन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही बड़ा टुकड़ा डाल दो इसके अंदर, बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा डालना है अपन को इसके अंदर और इस टुकड़े को वापस भी निकाल लेंगे अपन। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस इसे तो रखता हूँ मैं एक तरफ और इसमें से अपन को ज़रूरत पड़ेगी एक टुकड़े की, तो ये निकाल लेते हैं और इसको करते हैं बंद। तो गाइस अब इसकी टेस्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसके अंदर डाल दिया है पानी और यहाँ पर हमने कर दिया एक होल। तो गाइस ये देखो किस इस प्रकार से निकलेगा इसके अंदर से पानी, ये देखो निकल रहा है ना। तो गाइस इसको डालेंगे इसके अंदर और फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे इस यहाँ ओके, ये जो छः देश में से पानी डालेंगे। चलो इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो गाइस पहले पानी डालते हैं इसके अंदर। तो गाइस पानी डाल दिया हमने और अब इस टुकड़े को डालते हैं और इसको कर देते हैं कैप को वापस ये बंद और इसको थोड़ा सा हिलाते हैं। और गाइस जो हमारा टुकड़ा डालता निकाल लेते हैं अपन बाहर, ये कुछ इस प्रकार से टुकड़ा निकाल लिया हमने बाहर और अब तो आपको चला के देखेंगे इस प्रकार से चलती है। गाइस आप देखते हो कितनी जोरदार आवाज़ की हमारे जो बॉम्ब है उसने, देख सकते हो। चलो एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको इसको चला के, देख सकते हो गाइस इसकी हालत अंदर से। तो एक बार और टेस्ट करके दिखा देता हूँ, इधर से डालते हैं कि बारिश में पानी। तो गाइस हमने पानी डाल दिया और अब इस टुकड़े को वापस डालते हैं कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े को और इसको कुछ इसी और हिला के और जो टुकड़ा डाला है उसको निकाल देंगे बाहर। और तो गाइस कितनी जोरदार आवाज़ की इसने, ये खेतों में से जानवर को क्या इंसानों को तक भगा सकता है ये जो हमारे देसी तोप है ये। चलो एक बार और ट्राई करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस कितनी ज़ोरदार आवाज़ की हमारी जो हमने जो तोप बनाई है। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।